नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव में सूरत ईस्ट सीट से उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बता दें, सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि मंगलवार को कंचन जरीवाला जब अपने नामांकन की स्क्रूटनी के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे तो बीजेपी के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा गुजरात चुनाव हारने के बारे में डर रही है और इसलिए उसने आप उम्मीदवार का अपहरण किया। गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस सूरत ईस्ट विधानसभा सीट के प्रत्याशी कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप लगा रही है, उन्हीं जरीवाला ने अब यूटर्न लेते हुए अपनी ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। नामांकन वापस करने के कुछ घंटों बाद उन्होंने आप पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करने का फैसला खुद किया है जो देशद्रोही और गुजरात विरोधी है। उन्होंने कहा कि मेरे प्रचार के दौरान लोग मुझसे पूछते थे कि मैं एक देश विरोधी और गुजरात विरोधी पार्टी का उम्मीदवार क्यों बना हूँ। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, मैंने बिना किसी दबाव के अपना नामांकन वापस लिया है, मैं ऐसी पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने ये एक वीडियो संदेश के जरिए कहा। उनका ये वीडियो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा चुनाव आयोग से मिलने जाने और सूरत ईस्ट विधानसभा सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग करने के बाद आया। बीजेपी ने गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पांचवीं और आखिरी सूची जारी कर दी। इस सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम हैं। बुधवार को जारी हुई नई सूची में शामिल उम्मीदवारों की बात करें तो खेरालू विधानसभा सीट से सरदार सिंह चौधरी, मानसा सीट से जयंती भाई पटेल और गरबाड़ा विधानसभा सीट से महेंद्र भाई भाभोर को टिकट दिया गया है। हालांकि मांजलपुर सीट पर अभी तक नाम की घोषणा नहीं की गई है, उसको लेकर रहस्य बना हुआ है। पार्टी नेताओं ने कहा कि नाम जल्द ही घोषित किया जाएगा और पार्टी का उम्मीदवार गुरुवार तक अपना नामांकन दाखिल करेगा। बता दें, इस बार गुजरात बीजेपी में टिकट कटने के बाद नेताओं ने बागी रुख भी दिखाया है, जिसको शांत कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर भी लगाया है। मालूम हो कि 182 सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा, मतगणना 8 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ बलात्कार हत्या मामले में जम्मू कश्मीर कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अभियुक्त को नाबालिग यानी जुवेनाइल करार दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले में आरोपी शुभम सांगरा के ऊपर नाबालिग की जगह वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये फैसला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनाया। बता दें, ये मामला 2019 का है जब कठुआ गांव में 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की गई थी, जिसके बाद जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सबूत नष्ट करने के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों को 5 साल कैद की सजा भी सुनाई। शुभम सांगरा के मुकदमे को किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था। शुभम सांगरा मुख्य आरोपी सांझीराम का भतीजा है जो उस मंदिर का केयरटेकर था जहां अपराध हुआ था। मालूम हो कि इस मामले के बाद काफी बवाल मचा था। चौंकाने वाली बात इसमें यह हुई थी कि 8 साल की बच्ची की गैंगरेप के आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली गई थी। आज तक की वेबसाइट के मुताबिक आरोपियों के समर्थन में कठुआ में आयोजित रैली में स्थानीय बीजेपी विधायक भी थे। इस रैली में जम्मू एवं कश्मीर सरकार में मंत्री रहे चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने भी हिस्सा लिया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि वो राजस्थान में सितंबर में हुए घटनाक्रम के बाद बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज थे। बताना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जब सितंबर में बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचे थे तो उन्हें बेहद खराब अनुभव से गुजरना पड़ा था। जयपुर में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत समर्थक विधायक नहीं पहुंचे थे। इन विधायकों ने बैठक में पहुंचने के बजाय कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर बैठक की थी और फिर स्पीकर सीपी जोशी को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। ऐसे विधायकों की संख्या 100 के आसपास बताई गई थी। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने सख्त एक्शन लेते हुए गहलोत के समर्थकों शांति धारीवाल, महेश जोशी और विधायक धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। NDTV ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अजय माकन चाहते थे कि बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस प्रभारी के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। अजय माकन ने महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बता दें, अगले साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। वहीं PM मोदी ने G20 के समापन पर कहा कि अगले एक साल में हमारा प्रयास होगा कि हम G20 की सामूहिक कार्रवाई को गति देने के लिए एक वैश्विक प्रस्तावक के रूप में काम करें।
हमें G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जब बुद्ध और गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ दुनिया को शांति का संदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खिलाने पर रोक लगाई गई थी। लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने हाई कोर्ट की उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें कहा गया था कि जो लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं उन्हें उन कुत्तों को गोद लेना चाहिए, आवारा कुत्तों को अपनाना चाहिए, उन्हें घर ले जाना चाहिए या कम से कम उन्हें कुछ अच्छे आश्रय गृहों में रखना चाहिए और वे नगर पालिका में उनके पंजीकरण और रखरखाव, स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए सभी खर्चों का वहन करें। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आश्चर्य जताया, साथ ही कहा कि आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग आवारा कुत्तों को पालते हैं उन्हें गोद लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट का आदेश व्यावहारिक है। वहीं नागपुर नगर निगम की ओर से पेश वकील ने कहा, अगर इन आवारा कुत्तों को नहीं खिलाया गया तो वो और अधिक आक्रामक हो जाएंगे। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बीच ही दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी ACB ने बड़ी कार्रवाई की। ACB ने MCD चुनाव में टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के बहनोई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से MCD चुनाव में टिकट देने की मांग की थी। उनके पति गोपाल खारी ने आरोप लगाया है कि विधायक त्रिपाठी ने टिकट देने के बदले 90 लाख रुपए देने की मांग की। गोपाल खारी ने इस मामले में दी शिकायत में कहा है कि उन्होंने अखिलेश पति त्रिपाठी को 35 लाख जबकि वजीरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता को 20 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए। अखिलेश पति त्रिपाठी दिल्ली की मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं। बता दें MCD के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आने हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में RSS प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर सभी भारतीयों का DNA एक होने की बात दोहराई। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और सभी भारतीयों का DNA एक है। उन्होंने कहा कि किसी को भी भगवान की प्रार्थना करने के तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ये बात कही। RSS प्रमुख ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सदियों पुरानी विशेषता है। एकमात्र हिंदुत्व नाम का विचार दुनिया में ऐसा है जो सभी को साथ लेने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि हम 1925 से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जो लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और विविधता में एकता की संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं और इस दिशा में प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति, भाषा और विचारधारा का पालन करते हों, वो हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा है उसका DNA एक है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया था हर किसी को अपने विश्वास और रीति रिवाजों पर टिके रहना चाहिए और दूसरों के विश्वास को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC ने कहा है कि BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS सिखों के मामलों में बेवजह दखल ना दें। इस संबंध में मंगलवार को SGPC की ओर से संघ प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखा गया है। अकाल तख्त की ही तरह SGPC सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और ये कई राज्यों के गुरुद्वारों का प्रबंधन करती है। हाल ही में SGPC का चुनाव हुआ था। इस चुनाव के दौरान भी अकाली दल ने आरोप लगाया था कि BJP नेता इस चुनाव में अकाली दल बादल की बागी नेता बीबी जगीर कौर का समर्थन कर रहे थे। चुनाव में अकाली दल को जीत मिली। SGPC के महासचिव गुरुचरण सिंह ग्रेवाल ने चिट्ठी में SGPC के चुनाव में दखल दिए जाने का जिक्र किया। पत्र में लिखा गया है कि 9 नवंबर को हुए SGPC के वार्षिक चुनाव में BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का दखल साफ दिखाई दिया। ग्रेवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे BJP के नेताओं ने SGPC के चुनाव में सीधी दखलंदाजी की। उन्होंने लिखा है, SGPC ने कभी भी किसी भी अन्य धर्म और मत के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है और हमेशा सभी के कल्याण के लिए काम किया। SGPC महासचिव ने संघ प्रमुख को संबोधित करते हुए लिखा है, जो कुछ हो रहा है अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपको तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और अगर आपको इसकी जानकारी है तो ये संघ के लिए अपनी विचारधारा के बारे में सोचने का सही समय है क्योंकि इससे बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक समाज के आपसी धार्मिक संबंधों में दरार पैदा हो रही है और इस बात का डर है ये भविष्य में और गहरी हो सकती है। पत्र में उम्मीद जताई गई है कि संघ प्रमुख इस बारे में विचार करेंगे।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन कार्यकर्ता की मौत और मुआवजे को लेकर अहम टिप्पणी की। लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट या पर्याप्त मेडिकल दस्तावेज नहीं होने के कारण फ्रंटलाइन कोविड 19 कार्यकर्ता के परिजनों को राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगस्त 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान जान गंवाने वाले बेस्ट बस कंडक्टर के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने कहा कि कंडक्टर को राहत देने से इनकार करना अमानवीय होगा, जिसने अपने जीवन के 22 साल दिए और कर्तव्य का पालन करते हुए मर गया। बेंच ने कहा कि पर्याप्त रिपोर्ट या मेडिकल दस्तावेजों के अभाव को आधार बनाकर लाभ देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये वास्तव में हमारी ओर से अमानवीय होगा यदि हम इसमें हस्तक्षेप करने से परहेज करते हैं। इसके साथ ही अदालत ने 25 नवंबर 2021 को मुआवजे से इनकार करने के बेस्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 39 पैसे की गिरावट के साथ 81.30 के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले दिन में कारोबार के दौरान रुपया गिरकर 81.5 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। ट्रंप ने खुद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया। ट्रंप ने मंगलवार रात को अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से महान देश बनाने के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में उतर रहे हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक प्राइवेट क्लब में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव न जीत सकें। उन्होंने कहा कि उनका पूरा चुनाव प्रचार मुद्दों पर आधारित रहेगा और जब तक अमेरिका को महान देश बनाने का उनका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता वो नहीं रुकेंगे। पोलैंड में गृह मिसाइल को लेकर अब पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि इस बात के संकेत मिलते हैं ये जानबूझकर किया गया हमला नहीं था। उन्होंने कहा ये एक दुर्घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसकी बहुत संभावना है ये मिसाइल यूक्रेन की तरफ से गिरी है। बता दें इससे पहले एसोसिएट प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट में तीन अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि मंगलवार को पोलैंड में गिरने वाली रूसी मिसाइल को यूक्रेन की ओर से दागा गया था। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को चांद पर रॉकेट लॉन्च करने में आज बड़ी सफलता मिली। नासा ने अब तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये नासा के आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है जिसके तहत 50 साल बाद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी की जा रही है। अगर ये मिशन कामयाब रहता है तो भविष्य में इस रॉकेट से अंतरिक्ष यात्री मिशन पर जा सकेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो 2024 से एक बार फिर इंसान चांद पर कदम रखेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।